Hello everyone! In this part, we are starting a new chapter of NCERT Class 9 Biology and that is Tissues. पिछले पार्ट पे हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो. मैंने यहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाया है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाया है. हालांकि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर नहीं होता है, बस ये समझाने के लिए है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ होता है, जैसे कि एमीबा एंड पैरामीशियम. यूनि का मतलब ही वन होता है. एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स मल्टी मींस मेनी, बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल एनिमल एंड प्लांट्स. तो ये सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं. जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर काम के बोझ से मारे हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि इस अकेले सेल को ही सारा फंक्शंस करना होता है. एज फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको इनटेक ऑफ फूड एंड डाइजेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करना है, मूवमेंट भी करना है, रिप्रोडक्शन भी करना है. तो ये सारे फंक्शंस इस अकेले को करना पड़ता है. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता. क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे 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 बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, इसमें वर्क का डिविजन हो जाता है. होता क्या है कि सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेल्स मिलकर के एक टीम बना लेते हैं, वो ग्रुप एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के सभी सेल्स वर्क करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. जैसे कि देखो यहां पे ये जो सेल्स है इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है और ये किस फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं, डाइजेशन को अंजाम दे रहे हैं. फिर यहां पे कुछ और सेल्स मिलकर के ग्रुप बना लिए हैं और ये सेल्स काम कर रहे हैं किस फंक्शन को अंजाम देने के लिए, सर्कुलेशन को. उसी तरह से कुछ सेल्स मिलकर के टीम बनाते हैं और टीम बना करके वो वर्क करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. इसी टीम को, इसी ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. टिश्यू का मतलब क्या हुआ? टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स. कैसा ग्रुप ऑफ सेल्स? जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर है एंड वो सभी सेल्स मिलकर के काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए. वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं. दैट मीन्स टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उसके दो कैरेक्टर होते हैं. पहला, वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है एंड दूसरा, वो सभी सेल्स मिलकर के काम करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो उसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and or work together to achieve a particular function form a tissue. We can also write a group of cells that are similar in structure and function. So we can also write a group of cells that are similar in structure and function. तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसमें सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और वो सभी काम करते हैं एक पर्टिकुलर
फंक्शन को अचीव करने के लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि टिश्यूज के अंदर सभी सेल के स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ब्लड एक टिश्यू है जिसके अंदर सभी सेल के स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है। जालम एंड फ्लोएम भी टिश्यू है जिसके अंदर सभी सेल के स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है, लेकिन उनका जो फंक्शन है, उनका जो वर्क है, वो एक ही गोल के लिए होता है। जालम का गोल है वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का गोल है फूड ट्रांसपोर्ट, एंड ब्लड का गोल है सर्कुलेशन करना, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, हॉर्मोन्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टिश्यू का मतलब क्या हुआ? वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो वर्क करे एक कॉमन फंक्शन के लिए, जिसके अंदर सभी सेल वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या होता है समझ चुके हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। नाउ अब समझेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, और यू कैन से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यू, और यू कैन से व्हाट इज द यूज ऑफ टिश्यू। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि टिश्यू की वजह से लेबर का डिवीजन होता है, फंक्शंस का डिवीजन होता है, वर्क का डिवीजन होता है। कैसे होता है समझते हैं। सपोज कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेशन भी अकेले करता है, रिप्रोडक्शन भी अकेले करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अकेले करता है, बट यहां पे सिर्फ दो ही फंक्शंस को लेके चलते हैं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल जिसको कि हम टिश्यू कहते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल आ जाते हैं। ये सेल्स क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। मतलब ये इतने सारे सेल्स मिलकर के सिर्फ एक फंक्शन डाइजेशन को कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर रहा है, दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो यहां पे हो गया ना वर्क का डिवीजन, पहले ये एक अकेला सेल कर रहा था डाइजेशन भी रिप्रोडक्शन भी, और यहां पे अलग अलग टिश्यू डाइजेशन कर रहे हैं एंड रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू का, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। सेकेंड इंपॉर्टेंस, इट डिक्रीज द वर्कलोड, डिक्रीज द वर्क लोड ऑफ सेल। होता क्या है, देखो यहां पे एक सेल दो काम कर रहा है, लेकिन यहां पे एक काम बहुत सारे सेल्स मिलकर के कर रहे हैं, तो यहां पे वर्कलोड सेल का कम गया कि नहीं। तो ये है सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस है इंक्रीज्ड वर्क एफिशिएंसी। क्योंकि ये सेल्स एक ही फंक्शन को करते हैं, दूसरा और फंक्शंस नहीं करते, इसीलिए ये अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो उसका वर्क एफिशिएंसी कम होगा, लेकिन अगर एक टीचर सिर्फ साइंस पढ़ाए या फिर सिर्फ मैथ्स पढ़ाए तो उसका वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो टिश्यू की वजह से वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है। सो वी कैन राइट इट इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी। फोर्थ, टिश्यू अल्टीमेटली फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन इंडिविजुअल, सो इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। होता कैसे है समझते हैं। जिस तरह से कुछ सेल मिलकर के
क्या बनता है? टिश्यू बनता है। उसी तरह कुछ टिश्यू को मिला करके ऑर्गन बनते हैं और कुछ ऑर्गन को मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और कुछ ऑर्गन सिस्टम को मिला करके अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल बनता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर रहा है। तो हम फोर्थ इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं, टिश्यू अल्टीमेटली फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल, दैट इज इट लीड्स टू ऑर्गनाइजेशन। ये है टिश्यू का इंपॉर्टेंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड एनिमल भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स में टिश्यूज एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे थ्री मेन रीजंस है। फर्स्ट रीजन, प्लांट्स आर स्टेशनरी, वो एक ही जगह खड़ा रहता है, प्लांट्स मूव नहीं करता। बट एनिमल्स मूव करते हैं, क्यों? खाने के लिए, फूड के लिए, एंड अपने आप को बादल, बारिश, धूप, इन सब चीजों से बचाने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, बट एनिमल्स हेटरोट्रॉप होते हैं, वो अपना खाना नहीं बनाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, वो एक लिमिटेड टाइम के बाद, पीरियड के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। सो देयर आर थ्री रीजंस व्हाई एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। नाउ क्विक रिविजन, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू? इसकी वजह से लेबर का डिविजन हो जाता है, फर्स्ट। सेकंड, सेल का वर्कलोड कम हो जाता है। थर्ड, सेल का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। फोर्थ, इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाई एनिमल सेल्स, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट? बिकॉज प्लांट जो है वो स्टेशनरी होता है, एनिमल्स जो है वो मूवेबल होता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप होता है, एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉप्स होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, बट एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू।